नमस्कार दोस्तों, गौतम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। तो देख सकते हैं हमारे पास ये हीरो कंपनी का स्प्लेंडर है। देख सकते हैं कितना टोटल चला हुआ है, 53,096 किलोमीटर। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, देखिए ये सर्विस के लिए हमारे पास गाड़ी आई थी, सर्विस हो रही है इसकी। बट इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, जब मैं इसका प्लग खोल रहा था, देख सकते हैं यहाँ पे तो इसका प्लग जो है बिल्कुल सड़ा हुआ था। देख सकते हैं आप कैसे जंग खाया हुआ था। तो जैसे ही मैंने रिंच को लगाया, ये कड़ाक से करके टूट गया। तो अब हेड में ये हमारा टूट चुका है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, इसे निकालने का क्या तरीका है। या तो आपको हेड खोल करके लेथ पे ले जाना पड़ेगा, तो जिसमें काफ़ी समस्या है कि अब हेड खोलना पड़ेगा। तो हम हेड को नहीं खोल करके ऐसे ही आपको दिखाते हैं, इसका जो प्लग का जो टूटा हुआ है कैसे निकलेगा वो आपको हम दिखा देना चाहते हैं। आपको लाइट आ रहा होगा, दिखाते हैं, देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा शायद, देख सकते हैं कैसे प्लग हमारा टूट गया है। तो ये कैसे खुलेगा, हम लेथ पे नहीं ले जाएंगे और ख़ुद से ही हम इसे खोल कर दिखाएंगे कि कैसे आपको खोलना है। तो इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, और हमारे वीडियो से बने रहिए। और देखिए कैसे हम इस हेड का आपको बिना लेथ पे ले जाए आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये मैंने एक पेचकस ले लिया है माइनस वाला, देख सकते हैं, और ये हथौड़ी ले लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरह से यहाँ लगा करके इसे हल्का हल्का इस तरह से मैं इसे चोट करूँगा, और देखते हैं खोलने का कोशिश करेंगे कि ये हमें लेथ पे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा खुलना हल्का हल्का घूम रहा है, और देख सकते हैं ये घूम चुका है। तो फिर क्या करेंगे, इस तरह का प्लायर ले लेंगे, देख सकते हैं, और ले करके हम क्या करेंगे, इसे ऐसे लगा करके और हल्का हल्का घुमाने का नहीं हो पा रहा है इसे, फिर इसे हम यहाँ लगा करके आसानी से देख सकते हैं ऐसे पेचकस को लगा कर ऐसे, और नहीं हो पा रहा है तो पतला वाला नोज गिलास लाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमने इस तरह का नोज गिलास ले लिया है, और लेने के बाद इसे ऐसे लगा लेंगे और इस तरह से इसे पकड़ करके यहाँ से इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। देख सकते हैं आप ये हमारा ओपन हो रहा है, इस तरह से आपको देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से हमारा ये टूटा था। तो मैंने इसे यहाँ से कट किया, किस तरह से हमारा टूट गया था, ये सड़ा हुआ था बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये हमारा ओपन हो चुका है, तो लेफ्ट पे ले जाने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा दोस्तों, नहीं तो पूरा का पूरा हेड हमें खोलना पड़ जाता। तो ये बहुत बड़ा समस्या है अगर इस तरह का आपका प्लग टूट जाता है। तो इसी तरह का टेक्निकल वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल से आप बने रहिए, और मैं इसी तरह का टेक्निकल वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो मैं इसमें अब उस कंपनी का नया प्लग आपको डाल के दिखाता हूँ, लगा के दिखाता हूँ, गुना भी बिल्कुल मेरा सही है दोस्तों, देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह से टूट गया, तो मैं नया प्लग लाता हूँ आपको दिखाता हूँ रेडी। तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने बूस कंपनी का नया प्लग ले लिया है, बूस प्लस का, ये जेन्युइन है आपका, ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं। तो इसे मैं इसमें लगा के आपको दिखाता हूँ, गुना भी हमारा बिल्कुल सही है और आसानी से खुल गया था। तो मैं इसे लगा देता हूँ, लगा कर आपको दिखाता हूँ। पहले हाथों से ही इसे चढ़ाना है और उसके बाद प्लग रिंच से आप, और इस तरह से पेचकस लेकर के हल्का इसे हमें टाइट कर लेना है, देख सकते हैं ये हमारा टाइट हो चुका है। और मैं इसे बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ, टूटने की वजह से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कच्चा भी। देख सकते हैं हमारी बाइक ऑन हो चुकी है, मैं सेल्फ लेता हूँ, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह का जब भी आपका समस्या आता है दोस्तों, तो इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं, आसानी से निकालने का कोशिश कीजिएगा तो निकल जाएगा हेड से आपका। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और इसी तरह का मैं टेक्निकल वीडियो लेकर फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों।